Oh, very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 5. And the name of the chapter 5 is Arithmetic Progression. We call it short AP. This one is the third lecture. So I already started the chapter and solved each and every question of the exercise 5.1, which is taking so many easy examples in my previous two videos. If you still not watch the previous one video, so please do watch all that videos first, because that was very very important. I already explained each and every basic concept related to the arithmetic series in my previous one video. In this lecture, I'm going to take or start the new exercise 5.2. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now look at the board. अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो एक्सरसाइज 5.2 क्या है उसको समझने से पहले हमें यह समझना है कि हमें अर्थमेटिक सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि कौन सी सीरीज क्या होती है. आपकी अर्थमेटिक सीरीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपसे कहता हूँ 1, 3, 5, 7 और आपसे ये कहता हूँ कि आप वेरीफाई करिए क्या ये एपी की सीरीज है या नहीं है, जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में स्टार्ट किया था. थोड़ा सा ओवरव्यू लेके स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. तो आपको पता है जो भी टर्म्स दी जाती है ये हमारी फर्स्ट टर्म होते हैं a1, दिस इज सेकंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म. तो वेरीफाई कैसे करते हैं कि कोई भी सीरीज एपी की है या नहीं है, उसके लिए आप फाइंड आउट करते थे d, और d को हम क्या कहते थे, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता था, किसी भी टर्म का डिफरेंस विद द प्रीवियस वन टर्म और प्रीसीडिंग टर्म. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सेकंड टर्म की बात करता हूँ तो इसका डिफरेंस विद इसकी प्रीसीडिंग पिछली टर्म दैट इज a1, a2 माइनस a1. तो यहाँ पे a2 3 है, a1 1 है, तो 3 माइनस 1 आपको क्या डिफरेंस मिला, 2. लेकिन आप ओनली 1 का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, आप सेकंड टर्म का भी डिफरेंस निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप फिर से डिफरेंस निकालिए, अभी आपने सेकंड टर्म ली थी, अब थर्ड टर्म लीजिए. तो थर्ड टर्म क्या है आपकी a3 और इससे प्रीवियस वन टर्म क्या है आपकी a2. सो a3 माइनस a2 भी क्या होगा आपका d. ऐसे ही आप a5 माइनस a4, a6 माइनस a5, मतलब कोई भी टर्म उसका डिफरेंस करिए उसके प्रीसीडिंग टर्म से, वो क्या होता है d. तो वो d आप 2 या 3 टाइम्स फाइंड आउट करिए डिफरेंट टर्म्स को लेकर. यदि d सेम आता है तो आप कहेंगे कि वो सीरीज एपी की है, अदरवाइज वो सीरीज एपी की नहीं है. तो फर्स्ट टाइम हमने डी यूज करा, वैल्यू क्या आई हमें प्लस की 2. सेकंड टाइम डी यूज कर रहे हैं a3, थर्ड टर्म हमारी क्या है 5 एंड a2 सेकंड टर्म क्या है 3, 5 माइनस 3 अगेन इज आल्सो 2. तो यहां भी 2 और यहां भी 2 आपको मिल रहा है, इट मींस ये सीरीज क्या है आपकी एपी की. तो यहां पे जो डी वर्ड यूज होगा वो डी किसके लिए होगा, कॉमन डिफरेंस के लिए. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और आपको एक टेबल दे दी गई और आपसे ये कहा गया कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपको ब्लैंक ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसको फिल करिए. तो फिल करने से पहले आपको उसके ऊपर की टर्म्स देखनी है कि ये टर्म्स है क्या चीज. यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है स्मॉल a, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल a होता क्या है. जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है दैट इज a1, a1 को हम क्या लिखते हैं a. तो a1 means क्या होता है आपकी फर्स्ट टर्म. तो यहां पर a means क्या है, हम बात करेंगे अपने फर्स्ट टर्म की, दिस वन इज आवर फर्स्ट टर्म. d आपको अगेन समझ आ गया, d इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस. तो यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, d इज कॉमन डिफरेंस. अब यहां हम बात करेंगे n और an की. अब आपको समझना है कि an क्या होता है और n क्या होता है. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं. अब मैं दोबारा से इसको रब कर देता हूं. अब यहां पे हम फोकस किस पे करेंगे, n पे और an पे. अभी ये आपको सीरीज दिखाई दे रही है अप टू 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट डॉट. इट मींस क्या है, ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज है. इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन नॉट फाइंड, आप फाइंड नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. तो जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आपको ये नहीं पता चल सकता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं. बट यदि मैं इस सीरीज को इनफाइनाइट से चेंज करके फाइनाइट में चेंज कर देता हूँ,
फाइनाइट मींस क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइनाइट पता हो। अब मैं इसको डॉट डॉट की रिप्लेस करके नंबर ऑफ टर्म्स को मैं 9, 11 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब अब हमारे पास और कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये इसे कहेंगे हम द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स, या कहेंगे वैल्यू ऑफ द टर्म। इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये क्या है आपकी टर्म है, ठीक है। तो टर्म में n क्या होता है, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप समझिए, जब हम स्मॉल n की बात करेंगे कहीं भी, तो स्मॉल n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी सीरीज। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। यहां तो ऑलरेडी आपको पता है, कैसे पता है, क्योंकि आप यहां काउंट कर सकते हो, ये दिस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे क्या है, सिक्स। तो यहां पे n इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, सिक्स। तो इसका मतलब जब आपको एक सीरीज दे दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा कि फाइंड n, तो n सिंपली क्या हो जाएगा, आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लीजिए, दैट इज योर n, क्लियर। अब हम बात करते हैं a n। a n मींस होता है टर्म। यदि आपको पर्टिकुलर कोई एक टर्म फाइंड आउट करनी है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, तो देखो इसको कंपैरिजन करना ध्यान से, यहां पे और इसको कंपैरिजन करो a1, तो क्या मतलब लिखा जाता है ये a1, तो n a तो a ही है और n क्या है यहां पे 1, इसका मतलब a1 क्या है फर्स्ट टर्म और an क्या है आपकी nth टर्म। दिस वन इज व्हाट nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है, यदि आप टर्म की वैल्यू n यूज करते हो तो लास्ट ये टर्म होगी आपकी nth टर्म। तो जब n की वैल्यू यदि आपको पता है तो वो यहां पे पुट करके आप वो टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहां पे मैं ये लिखता हूं a7, इसका मतलब इसको कंपैरिजन करिए, जब भी आपको कोई टर्म फाइंड आउट करनी है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि 7th टर्म फाइंड आउट करो, 20th टर्म फाइंड आउट करो, तो जोन से टर्म फाइंड आउट करनी है, इट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ n। तो जैसे आपसे यहां कहा गया है कि फाइंड a7, इट मींस आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7, तो आप n को क्या पुट कर दोगे यहां 7, तो ये क्या बन जाएगा a7, तो इट मींस आप फाइंड आउट करने जा रहे हो 7th टर्म, तो दिस इज कॉल्ड द nth टर्म। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कोई भी टर्म क्या ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, क्या हमें उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म लिख कर आपको फाइंड आउट करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन ये होता है। ये सीरीज हमारी बहुत बड़ी सीरीज होती, तो पर्टिकुलर कोई टर्म फाइंड आउट करनी होती तो क्या हम उन टर्म्स को काउंट करते या पहले सीरीज को पूरी लिखते, नहीं। यदि ऐसे इसी में अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6, यदि हम ऐसी सीरीज को मैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करते करते 9, 9, 9 तक भेज देता हूँ, तो आप यहां पजल हो जाओगे कि भाई 99 ये लास्ट की टर्म, ये कौन से नंबर की टर्म्स है। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या सारी टर्म लिखोगे, नहीं, क्योंकि ये बेस्ट मेथड नहीं है। तो उसके लिए क्या बेस्ट मेथड है कि आप ये पता लगा पाओ कि कोई भी टर्म कौन से नंबर पर आई है। जैसे ये आपको पता है 7, ये कौन से नंबर की टर्म है, 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर पर है। ये तो आपने काउंटिंग करके बताया, क्या बिना काउंटिंग से आप ये बता सकते हो कि ये जो 7 है ये कौन से नंबर की टर्म्स है, कौन सी टर्म है ये। तो वही क्वेश्चंस अब हम आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है nth टर्म, दैट इज an। तो an का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आप नोट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो प्लीज मेक अ नोट। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी करा तो एक बार पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रन कर देता हूं, यहां से हमारा मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे nth फॉर्मूले की, मतलब कोई भी टर्म निकालनी हो आपको an, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये होता है आपका nth फॉर्मूला। आपको ये पता चल गया a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, क्लियर है, n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या होता है, उन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, इट मींस कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं।
अब जैसे मैं ये कहता था कि आपको ये नहीं पता कि ये 7 जो है वो कौन से नंबर के टर्म्स है, तो आपको ये पता है टर्म की वैल्यू तो पता है ना कि टर्म कौन सी है आपकी 7 है, लेकिन ये नहीं पता कि वो 7 कौन से नंबर पर आई है। तो कौन से नंबर पे आई है, इट मीन्स नंबर, और नंबर मीन्स एन, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एन फाइंड आउट करना है। अभी आपको ये पता चल गया कि इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, 1, तो आप यहां लिख सकते हो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 1। डी अभी आपने सोल्व किया, कॉमन डिफरेंस कितना आया था, डायरेक्टली भी कर सकते हो 3-1 2, 5-3 2, 7-5 2, इसका मतलब सभी का डिफरेंस सेम है, तो 2 डिफरेंस आ रहा है, तो डी की वैल्यू क्या है 2। और ए एन ये होती है टर्म जिसकी आपको ये पता लगाना है कि कौन से नंबर पर आई है, वो टर्म होती है ये। आप किसका पता लगाना चाहते हो, आप पता लगाना चाहते हो 7 कि 7 कौन से नंबर पर आई है, तो ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7। अब ये सारी वैल्यूज पुट करिए यहां पर, तो ए एन की वैल्यू यहां पर कितनी है 7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 2। अब जैसे इसको सॉल्व करना, दिस इज 7 इज इक्वल टू, सबसे पहले इस 1 को मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 7-1 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सिंपल सा रखिए एन माइनस 1 इंटू, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, अब देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 7-1 क्या आएगा 6 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इट मीन्स 6/2 इज इक्वल टू n-1। अब 6/2 कट करेंगे तो किस पे जाएगा 3 पे, सो 3 इज इक्वल टू n-1। अब नेगेटिव 1 को मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 3+1 दैट इज 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। आप काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4, कौन से नंबर पे है ये 4। इसका मतलब इस टर्म से आप क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें से यहाँ पे 4 चीज वेरिएबल मान के चलिए, 4 अनडिफाइंड है, यहाँ पर ए एन ए एन और डी 4 टर्म्स है, यहाँ पे 4 में से कोई भी 3 टर्म्स यदि आपको दी जाए तो आप फोर्थ टर्म निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए एन दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, डी दे दिया जाए, तो आपने एन निकाल लिया, आपको एन पता हो, डी पता हो और ए एन पता हो तो आप ए भी निकाल सकते हो। इसका मतलब इन 4 टर्म में से या 4 पैरामीटर में से यदि आपको कोई भी 3 पैरामीटर गिवन है तो आप नेक्स्ट पैरामीटर निकाल सकते हैं। क्लियर, तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना है। यहां फर्स्ट टेबल को देखते हो तो देखिए किसी भी रो में यहां पे 3 कॉलम फिल है और एक कॉलम ब्लैंक है, 1 2 3, यहां भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, एक और यहां फिल होगा, तो यहां पे क्या है सभी जगह आपके 3 कॉलम फिल है, तो थर्ड आपको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ आ गया आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन मेक अ नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या पॉज कर दीजिए वीडियो को, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ गया कि करना क्या है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको हर बार याद रहे, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे जो जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज को यहां पुट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहां पर देखिए ए एन, क्या ए एन पता है आपको, नहीं, ए पता है आपको 7, एन पता है आपको 8, डी आपको पता है 3, इट मीन 7 + 8-1 7 × 3, 7 + 7 × 3 21, तो दैट इज आंसर इज 28, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 28 आ गया। फिर कॉपी पे भी पहले ऐसे सॉल्व करना है और फिर टेबल में फिल करनी है एंट्री। अब ये था सेकंड, अब सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, ए एन गिवन है, यस, कितना है 0 इज इक्वल टू ए,
ए गिवन है, यस, कितना है -18 प्लस एन, एन गिवन है इसमें, यस 10। डी गिवन है, नो, क्योंकि डी तो आपको निकालना है, तो -18 है, इसको मूव कर दीजिए, दैट इज +18, 10 - 1 कितना बन गया 9 × d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10/9, कट के क्या आ जाएगा, इसका मतलब आपको क्या मिल गया d = 2, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देखिए समझाया, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन, नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। यहाँ क्या गिवन है आपको, सबसे पहले an, an गिवन है, यस -5 = a, a गिवन है, नहीं, तो a को a रखना पड़ेगा। n, n गिवन है, यस 18 - 1, d इज ऑलरेडी गिवन -3, सॉल्व दिस, -5 = a प्लस 18 - 1 17 × -3, सो दिस बिकम्स -5 = a, 17 × 3 = 51, और नेगेटिव साइड, -15 को वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मूव करिए, +51 = a, दिस बिकम्स व्हाट 46, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई आपको 46। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, वन बाय वन नोट करते जाइए। अब हम फिफ्थ फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, यस an, an गिवन है आपको 3.6 = a, a की वैल्यू गिवन है, यस -k 18.9 प्लस n, n की वैल्यू नो, ये तो फाइंड आउट, फाइंड भी करनी है आपको n-1, और d इज 2.5, सॉल्व करिए इसको 3.6, नेगेटिव को मूव कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड, वी गेट 18.9 पॉजिटिव, दिस बिकम्स n-1 × 2.5, सो 9 and 6 = 15 कैरी 1, और 8 और 3 = 11, और 2 = 12 कैरी 1, और दिस इज 2, सो 22.5, दिस वन इज n-1 × 2.5, तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 22.5 को डिवाइड कर दीजिए 2.5 से, तो ये किस पे जाएगा, 25 नाइन्सा होता है, तो ये किस पे जा रहा है आपका 9 पे, तो 9 = n-1, जिसको डिवाइड में प्रॉब्लम आती है वो पॉइंट हटा के डिवाइड कर सकता है, माइनस एन को मूव कर दीजिए, तो 9 + 1 = n, तो n = कितना आ गया 10, तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी आपकी 10। अगेन मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले an, नहीं यहाँ पे आपको an ही फाइंड आउट करना है, an को an ही रखेंगे, a की वैल्यू क्या है आपकी 3.5 प्लस n, n कितना है 105 -1 × d, d की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब an = 3.5, और 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर को करेंगे 0 ही आएगा, इसका मतलब an = क्या आ जाएगा आपका 3.5, दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर, तो आपके यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी 3.5, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, देखिए चूज द करेक्ट चॉइस बतानी है आपको, 30th टर्म ऑफ द एपी इज, सबसे पहले उस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एपी गिवन है, क्योंकि इसने कहा है ना 30th टर्म ऑफ द एपी, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी एपी का है, सीरीज आपको पता है 10, 7, 4, -, जब भी सीरीज पता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 10। सेकेंड स्टेप होता है आपको डी फाइंड आउट करना, और डी निकालने का क्या रूल था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है 7 और फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो 7 - 10 क्या आ जाएगा -k 3,
इसका मतलब d की वैल्यू भी आपको मिल गई माइनस के 3। अब कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, यहां देखिए 30th टर्म, इसका मतलब 30th का मतलब है 30 नंबर वाली टर्म, तो n कितना हो गया 30 हो गया, तो यहां पे n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 30 मिल गया। फॉर्मूला आपको याद है, ए एन इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां सारी वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन, एन कितना है आपका 30, तो 30 माइनस वन डी, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस 3 इंटू में माइनस 3, सो दिस बिकम्स 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3, सो 10 29 इंटू 3 कितना हो गया माइनस 87, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 77। इसका मतलब कौन सा 77 है, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड पार्ट इसी का सेम सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 11th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, स्टेप वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना आपको। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम आपको सीरीज क्या गिवन है, नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 बाई 2 कॉमा 2। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखनी है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है a, उसके बाद क्या निकालना आता है आपको d, d क्या होता है a2 माइनस a1, यहाँ पे a2 क्या है देखो ध्यान से माइनस के 1 बाई 2 माइनस a1, a1 क्या है माइनस के 3। अब ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में बना लो डिवाइड बाई 1, इसका एलसीएम कितना आ गया 2, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 3 इंटू 2 दिस, ठीक है इसमें पजल हो जाते हो तो एक स्टेप और बढ़ा लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, माइनस 1 बाई 2 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3 बाई 1, अब एलसीएम कितना आ गया 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5 बाई 2, तो आपको d की वैल्यू कितनी मिल गई 5 बाई 2। प्लीज मेक अ नोट, अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है 11th टर्म, इसका मतलब 11th, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, ये भी मिल गया आपको, फॉर्मूला आपको याद है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, a a फर्स्ट टर्म क्या है आपकी माइनस की 3 प्लस n, n क्या था आपका 11, सो 11 माइनस 1 और d इज व्हाट 5 बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2, इसको सॉल्व करना है आपको, माइनस 3 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 5 बाय 2। अब इसको कट कर सकते हो आप इसको 2 इंटू 5 5, सो माइनस 3 एज इट इज प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो रिजल्टेंट कितना आ गया प्लस के 22, तो प्लस के 22 कहां पर है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में कहता है इन द फॉलोइंग एपी, आपको एक एपी की सीरीज दी गई है, फाइंड द मिसिंग टर्म, और उसमें से कोई टर्म क्या कर दी गई मिस कर दी गई, और आपको वो मिसिंग टर्म्स बताने, इट्स सो इजी है लेकिन समझना है ध्यान से, जो जो चीज गिवन है उसको लिख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले क्या गिवन है, ये फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी a, तो इसका मतलब a आपको गिवन है। फिर आता है d, d निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट चाहिए, लेकिन सेकंड टर्म ही डिफाइंड नहीं है तो इसको यूज छोड़ देते। अब यहां देखिए 1 2 3 कितने नंबर टर्म्स है कि हम इस टर्म को यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या यूज करिए, जब आपको d नहीं पता होता है, जब d नहीं पता तो लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म कौन सी है उसकी काउंटिंग देख लो, वो कौन से नंबर पर है, क्या वो फाइंड आउट कर सकते हो, यस यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब ये कौन से नंबर की टर्म्स हैं, a 3, थर्ड नंबर पर आइए, तो ये थर्ड टर्म हो गई a 3, इसका मतलब आपको थर्ड टर्म आपको ऑलरेडी पता है, थर्ड टर्म क्या है आपकी 26, इतना समझ आ गया, पहले ये आपने इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, इस लिखने के बाद अपना फॉर्मूला लिखिए दोबारा से, फॉर्मूला क्या है आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखिए आपको क्या गिवन है ए थ्री, ए थ्री
इसका मतलब ये गिवन है ना, तो जस्ट क्या पुट करना है आपको, यदि यहाँ पे मैं एन की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ तो ये A3 बन जाएगा ना। तो यदि मैं पुट यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, A3 प्लस में A प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा। और जबकि A3 की वैल्यू आपको पता है, A3 की वैल्यू कितनी है 26, तो A3 को आप 26 लिख सकते हो। फिर आता है A, A की वैल्यू भी आपको पता है 2 प्लस, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू में डी। इस 2 को लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू डी। So 26 माइनस 2 कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 2 इंटू डी। क्या तो समझा गया आपको। अब d की वैल्यू निकालनी है तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 24/2 इज इक्वल टू 12, दिखाई दिया आपको। यस, तो यहां से d की वैल्यू निकल गई, कितनी आ गई d की वैल्यू 12। जब किसी भी एमपी सीरीज में आपको a पता हो, d पता हो, बस उसके अलावा कोई पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी से सारे टर्म निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें नेक्स्ट टर्म निकालनी हो तो उसमें डी ऐड कर दो, उससे भी नेक्स्ट टर्म निकालनी है फिर डी ऐड कर दो, उससे भी नेक्स्ट टर्म फिर डी ऐड कर दो, मतलब डी ऐड ऐड कर करके आप कितनी भी टर्म लिख सकते हो। तो नेचुरली देखो, यदि आपको फर्स्ट टर्म पता है 2 और डी पता है 12, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म आपकी 2 है तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो इसमें डी ऐड कर दो, डी कितना बन गया आपका 12, तो 2 प्लस 12 कितना आ गया 14। यदि 14 में 12 ऐड कर देंगे 14 प्लस 12 कितना बन गया 26, ऐसे 26 में मैं 12 ऐड कर दूंगा क्या बन जाएगा 38। ऐसे आप कितनी मर्जी टर्म लिख सकते हो यदि आपको a पता चल जाए और d पता चल जाए। इसका मतलब यहां पे कौन से टर्म आएंगी 14, तो आपका आंसर कितना आ गया 14। क्लियर है आपको। तो इसलिए इस टाइप से आपको समझना है, जब एक बार समझ आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत फास्टली विद इन 1 सेकंड निकाल सकते थे। वैसे छोटा सा लॉजिक आपको यहीं पे बता दूं तो इस क्वेश्चन को विद इन 1 सेकंड, सेकंड क्या देखते ही आप आंसर दे सकते थे। कैसे दे सकते थे इसके लिए एक बार नोट करिए, कर लिया नोट आपने। जब आपको सिंपल सी दो टर्म दे दी जाए, ये तो मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू की बता रहा हूँ, एमसीक्यू में यदि आपसे ये चेक ना किया जाए कि भाई सिर्फ ये बता दो कि आंसर क्या है, ये ना चेक किया जाए कि मेथड कौन सा अप्लाई करा, तब आप यहाँ पे वो शॉर्टकट यूज कर सकते हो। क्या होता है, यदि आपको 3 टर्म दी गई है और उसकी मिडिल टर्म मिसिंग है, क्या 1, 2, 3, तो मिडिल टर्म क्या है मिसिंग है, तो मिडिल टर्म निकालने का सिंपल सा क्या रूल होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। कैसे, देखो 2 प्लस 26 कितना हो गया 28, और 28 का हाफ कितना होता है 14, तो 14 आंसर आ जाता है। चीज समझाई, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये दो टर्म आती है उसके बीच की टर्म आपको एक पे निकालनी है तो दोनों टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 2, उससे आप मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट्स में यहां देखिए, सबसे पहले हमें ए टर्म नहीं गिवन, अब आपको ए भी नहीं पता, डी पता करने के लिए सेकेंड या फर्स्ट कोई भी दो टर्म कंटिन्यूसली नहीं है तो डी भी नहीं निकाल सकते, तो वही रूल यूज करना पड़ेगा आपको लास्ट पर कि ये देखो कौन से नंबर की टर्म्स है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसका मतलब ये टर्म कौन सी है आपकी फोर्थ टर्म है। ए एन का फॉर्मूला यूज करिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या निकालना है आपको ए 4, तो एन को क्या पुट कर दो 4, तो क्या बन जाएगा ए 4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखिए, यहां पे पजल करने वाली क्या चीज आएगी उसको समझना, ए 4 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और d एज इट इज यहां पजल हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे तो जब तक तीन चीज नहीं पता फोर्थ चीज नहीं निकाल सकते, यहां तो ओनली दो ही चीज पता थी आपको।
सिर्फ क्या पता था, एन पता था और ए फोर पता था, और तो नहीं पता था। इसके लिए आपको ये भी यूज करना होगा, ये कौन से नंबर की टर्म है, सेकंड नंबर की टर्म। तो सेम यहां पे अब एन को क्या पुट कर देते हैं, एन इज इक्वल टू टू, तो अब हम पुट कर देते हैं एन इज इक्वल टू टू, पुट करिए एन को टू, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस टू माइनस वन इन टू डी, और ए टू की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ 13 रख दीजिए, इज इक्वल टू ए प्लस टू माइनस वन वन इन टू डी, इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। इतना क्लियर हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, यहां से किसी एक की वैल्यू पुट करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने थर्ड चैप्टर में रीड किया है सब्स्टिट्यूशन, उसको यूज करके आप निकाल लीजिए। जैसे मैं यहां से ए की वैल्यू निकालता हूं, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ले आओ 13 माइनस डी, ए की वैल्यू निकालनी है तो डी को हमने कहा मूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इट बिकम्स 13 माइनस डी। अब इसको पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन ये यहां पुट करो, क्या आ जाएगा, ये मैं यहां पुट कर देता हूं 3 इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू कितनी है 13 माइनस डी और प्लस 3d, समझा गया, 3 एज इट इज, ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 13 माइनस डी प्लस में 3d। अब इसको सोल्व करो, सबसे पहले तो इस 13 को लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए, 3 माइनस के 13 हो जाएंगे इज इक्वल टू, ये माइनस का डी, ये प्लस के 3d, तो कितने लेंगे 3d में से डी माइनस करेंगे 2d। अब 3 माइनस 13 कितना रह गया आपका, माइनस का 10 और इज इक्वल टू 2d, तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, सिंपल सी माइनस 10 बाई 2 दैट इज माइनस 5। यहां तक समझ आया आपको, तो प्लीज मेक अ नोट। तो यहां से आपको d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के 5। अब मैं इसको रब कर देता हूं, समझ आ गया तक, तो अब d की वैल्यू मिल गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं यहां से रब कर देता हूं सबको, यहां से d की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस के 5 और a की वैल्यू क्या थी, अब यहां देखो a इज इक्वल टू क्या था 13 माइनस डी, सो 13 माइनस और d की वैल्यू क्या है माइनस के 5, सो दिस बिकम्स 13 प्लस 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18, क्लियर है, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म क्या आ गई 18 और d कितना है माइनस के 5, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो d ऐड करते हैं और d नेगेटिव है इसका मतलब सबट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब 18 में से 5 माइनस करते हैं कितना आया 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 18 और 8, दैट इज द आंसर। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट क्या है, कुछ भी दे दिया जाए आप कोशिश ये करिए a और d की वैल्यू निकाल लीजिए, क्वेश्चन में यदि a और d निकाल पाते हो तो AP के हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हो, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, चेक कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए, मेनली फोकस करिए a और d को फाइंड आउट करने में। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द कोड, थर्ड पार्ट 5, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है और नेक्स्ट टर्म गिवन है, स्टेप वही रहेंगे सेम टू सेम, यहां पे क्या गिवन है फर्स्ट टर्म a, a की वैल्यू क्या है 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका मतलब ये चीज क्या गिवन है आपको फोर्थ टर्म, फॉर्मूला आपको याद है n is equal to a plus n minus 1 into d, 4 तब मिलेगा जब n को क्या पुट करेंगे 4, तो पुट n is equal to 4, तो a 4 is equal to a plus 4 minus 1 into d, अब a 4 की वैल्यू कितनी है 9, इसको सॉल्व कर लो मिक्स फ्रैक्शन से, सिंपल फ्रैक्शन में 9 2 18 और 1 19 by 2, चेंज कर दिया हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन से,
सिंपल फ्रैक्शन में, तो ए फोर की वैल्यू हो गई 19/2, ए ए की वैल्यू क्या है 5, 4-1 3 इंटू बी। सबसे पहले 5 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट 19/2 - 5 = 3 इंटू डी डिवाइड बाई 1, एलसीएम इज व्हाट 2, 19 - 2 × 5 = 10 = 3 इंटू डी। 19 - 10 क्या हो जाएगा 9/2 = 3 डी। अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो 3 को लेफ्ट साइड पे लेके जाइए 9/2 डिवाइड बाय 3, 3 से कट कर दीजिए 3 × 3 = 9, तो डी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 3/2 बस। अब आपको ए पता होना चाहिए था, ए पता है, डी पता होना चाहिए था, डी पता है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कैसे, इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, कर लिया नोट आपने? कैसे निकालते हैं सबसे पहले टर्म, ए 5 है, नेक्स्ट टर्म निकालनी हो डी ऐड कर दीजिए, डी ऐड करेंगे इसमें हम 3/2, तो 5 में 3/2 आप ऐड करोगे एलसीएम क्या आएगा 2, इसका डिवाइड बाय 1, 2 × 5 = 10 + 1 × 3 = 3, रिजल्टेंट क्या आ गया 13/2, तो ये टर्म क्या बन गई आपकी 13/2। अब इसमें फिर क्या ऐड कर दीजिए डी, डी क्या है आपका 3/2, एलसीएम इज 2, 13 + 3 कितना बन गया 16/2, 8, 8। अब 8 में भी आप 3/2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 9, मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/2, 9.5। तो सिंपल ए और डी आने पर तो आप सिंपल सा ए में डी ऐड करते जाइए और टर्म लिखते जाइए, दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट अबाउट फोर्थ पार्ट, सेम स्टेप, क्या गिवन है आपके पास, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए, ए इज इक्वल टू -4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसका मतलब क्या गिवन है आपको ए 5, एम का फॉर्मूला हमें पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। अब यहां क्या पुट करेंगे एन इज इक्वल टू 5, तो क्या बन जाएगा ये ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 5 - 1 इनटू डी, ये बन जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे a5 की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है -4, प्लस 5 - 1 क्या बन गया 4 इनटू डी। नेगेटिव 4 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट पॉजिटिव 4, सो 4 इनटू डी, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 4 इनटू डी। तो जब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/4, 10/4 का मतलब क्या हो जाएगा 5/2, तो डी क्या मिल गया आपको 5/2 मिल गया। इतना क्लियर है। अब सारी वैल्यूज को पुट करिए, सबसे ए आपको पता है -4, सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे बाय एडिंग डी, डी ऐड करिए प्लस के 5/2। प्लीज वेट अ मिनट, यहां पर थोड़ी सी गलती करती, क्या गलती करती, यहां पे 3 स्पेस नहीं है बल्कि यहां पे 4 स्पेस है, यहां पे 4 ब्लॉक्स है और दैट इज सम इज 6, 4 स्पेस। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब आपको क्या गिवन है a 6 गिवन है, इसका मतलब n को क्या पुट करेंगे आप 6, तो क्या बन जाएगा कि a 6 इज इक्वल टू a प्लस 6 - 1 इनटू d। a 6 की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू a, a की वैल्यू -4 प्लस 6 - 1 = 5 इनटू d। नेगेटिव 4 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट पॉजिटिव 4, 5 इनटू d, 6 + 4 = 10 इज इक्वल टू 5 इनटू d।
तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 10 डिवाइड बाई 5, दैट इज 2। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो अब फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी -4। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, बाई एडिंग 2, एडिंग करिए 2, -4 + 2 कितना रिजल्ट आएगा -2, फिर ऐड करिए -2, सॉरी ऐड क्या करना है 2, -2 + 2 क्या रिजल्ट बनेगा 0, फिर ऐड करिए 2, 0 + 2 2, फिर ऐड करिए 2, 2 + 2 4। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका -4 - 2 0 2 4। ये स्टेप मैंने करके दिखाया आपको, वैसे करके दिखाने के लिए आपको वर्बली कर सकते हो। पहला -4 है उसमें +2 ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा, या इस स्टेप से ना करके आप इसको हॉरिजॉन्टल में कर दीजिए। फर्स्ट क्या था आपका -4, सेकंड क्या आएगा -4 + 2 = -2, फिर -2 + 2 क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0 + 2 = 2, फिर नेक्स्ट टर्म 2 + 2 = 4, फिर 4 + 2 = 6। सिंपल सा क्या करते रहिए, जो टर्म आई उसमें 2 2 ऐड कर दिए, पहले फर्स्ट टर्म ये थी इसमें 2 ऐड करा -2, जो टर्म आई इसमें फिर 2 ऐड कर दिया, ये फिर 2 ऐड करा, ये 2 ऐड करा, 2 ऐड करा, लिखते जाओ। ऐसे कितनी भी टर्म आप निकाल सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहां से -2 0 2 4, दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड फिफ्थ पार्ट, यहां पे क्या गिवन है सीक्वेंस देखिए, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, इसका मतलब ए टू, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसका मतलब ए सिक्स। फॉर्मूला हमें याद है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो यहां क्या पुट करते हैं, एक पर एन इज इक्वल टू टू और एक पर एन इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे सिक्स। पुट करिए यहां पे टू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा ए टू इज इक्वल टू ए प्लस 2 - 1 इंटू डी। यहां क्या बन जाएगा ए सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस 6 - 1 इंटू डी। अब सॉल्व करिए, ए टू की वैल्यू कितनी है 38 इज इक्वल टू ए, ए आपको गिवन नहीं है, 2 - 1 1 1 इंटू डी। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी। सेम ए की वैल्यू निकाल लीजिए, मूव 38 - डी, यहां से हमें ए की वैल्यू मिल गई। इसको सोल्व करिए, ए सिक्स की वैल्यू कितनी है -22 इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू नहीं पता, 6 - 1 5 इंटू डी। अब पुट इट इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन बनाता हूं, इसको इक्वेशन वन में पुट करना है। तो -22 इज इक्वल टू ए और ए की वैल्यू कितनी है 38 - d + 5d। इसको मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, -22 - 38 इज इक्वल टू -t + 5d क्या आ जाएगा +4d। अब 8 और 2 10 कैरी 1 60 इज इक्वल टू +4d। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -60 / 4, और 4 के टेबल पे कट करेंगे कितना आएगा 15, तो d इज इक्वल टू -15। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आपका d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू निकाल लीजिए, a कितना है आपका 38 - d और d की वैल्यू कितनी आई आपकी -15, तो ये क्या बन जाएगा आपका 38 + 15 इज इक्वल टू ए, तो 5 और 8 3 और 5 53। ए आ गया तो डी आ गया, उसके बाद तो कुछ चेक करना ही नहीं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 53, सेकंड टर्म निकालने हैं उसमें डी ऐड करेंगे और डी नेगेटिव है तो इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे माइनस के 15, सो 15 माइनस करेंगे कितना बन जाएगा ये 38। आप 38 में से फिर 15 माइनस कर दीजिए कितना बन जाएगा ये आपका 8 - 5 3 और 2 23, फिर 23 में से 15 माइनस कर दीजिए कितना बन जाएगा आपका ये 8, फिर 8 में से 15 माइनस कर दीजिए क्या बन जाएगा -7,
आपको क्या पता करना था? फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 53 आ गई, सेकेंड टर्म 38, फिर क्या आई 23, फिर क्या आई 8, फिर क्या आई -7, और इसमें देखो -7 में फिर 15 माइनस करते तो क्या आ जाता -22, और ये -22 बन गया। तो देखने की जरूरत ही नहीं है सर, आपको ए लिखना है और डी जो प्लस का हो तो ऐड करते जाइए, डी नेगेटिव हो तो माइनस करते जाइए और सीरीज को लिखते जाइए, दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, अपने आप कोशिश कीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप निकाल पाएंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल डू कंटिन्यू इट विद माई नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑन वर्ड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम द एनसीईआरटी वेरी शॉर्टली। सो थैंक यू वंस अगेन।